अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक गैल्वेनिक सेल होता है। आज के इस लेक्चर के अंदर जो हमने पूरी एक्सप्लेनेशन करनी है वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता क्या है और इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहली बात, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। कहता है सेल की ऐसी किस्म है द टाइप द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है असल में हमारे पास इज अ डिवाइस, ये एक ऐसा आला है डिवाइस इन विच जिसमें इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, इज कन्वर्टेड, इसको हम बदल रहे होते हैं, कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी, इस चीज़ का हम नाम दे रहे होते हैं, एंड वाइस वर्सा, और इसका बिल्कुल उल्ट, एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए, इस तरह के सेल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि इसकी मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन करूँ ना, ये हमारे पास इसकी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप करंट गुजारो, करंट गुजारने के बाद कोई ना कोई रिएक्शन हो, कोई ना कोई रिएक्शन हो, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नाम देंगे। और केमिकल एनर्जी होती है कोई ना कोई रिएक्शन हो उसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो, केमिकल रिएक्शन के एनर्जी एनर्जी। अब ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे होते हैं, उस सेल को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, उस सेल को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, लिटिक सेल। और ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कोई रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के नतीजे में हमारे पास करंट बनता है, इस तरह के सेल को हम नाम देंगे गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको नाम दे रहे होते हैं वोल्टिक सेल। इसलिए आज से हमारे पास इसकी किस्में देखी जाए ना, दो हैं। किसकी टाइप्स हैं हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की टाइप्स अगर देखी जाए तो ये दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है वोल्टिक सेल, या फिर इसको गैल्वेनिक सेल कहते हैं। सो ये दोनों वर्ड यूज करते हैं, गैल्वेनिक सेल। ये दो तरह के सेल हैं। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हेडिंग दो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब याद रखिएगा, वर्डिंग पर गौर करो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वर्डिंग पर गौर करोगे ना, आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाएंगी। ज़रा गौर करो, इलेक्ट्रो मीन होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये मतलब करंट। लिटिक मीन होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, किसी भी चीज़ को तोड़ना, ब्रेक डाउन। और सेल होता है क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, सही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेल मीन क्लोज स्ट्रक्चर होगी, बंद चीज़ होगी जिसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, इस चीज़ को हम नाम देते हैं सेल का। जिस तरह आप वो अमूमन कहते हैं सेल कोठड़ी को कहते हैं, ये आप 9th-10th की इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा, सेल कोठड़ी को कह रहे होते हैं। कोठड़ी मतलब जो चारों तरफ से बंद हो। अब हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो चारों तरफ से बंद होगी, उसके अंदर से हम करंट गुजारते हैं, करंट गुजारने के बाद कोई ना कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही होती है, कोई ना कोई चीज़ क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी। इस तरह के सेल को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। मतलब अब थोड़ी बहुत डेफिनेशन आपके जहन में आ रही होगी, तो प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन एंड देन ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस अकर, जहां पर किसी भी चीज की ब्रेक डाउन हो उस चीज को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल का. क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम दे रहे हो. जरा गौर कीजिएगा डेफिनेशन पे. द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या सर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की टाइप है, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ऐसी किस्म इन विच जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को गुजार रहे होते हैं पास थ्रू द फ्यूज्ड और मोल्टन एनएसएल, और फ्यूज और मोल्टन में से एक ही चीज कहते हैं इसके दरमियान में फ्यूज्ड, यहां पर स्लैश लगा लो, फ्यूज मोल्टन और सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में से आप गुजारते हैं एंड ब्रेक डाउन अक्कर, एंड ब्रेक डाउन अक्कर, इस चीज को हम नाम देते हैं इस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ऐसा सेल जिसमें आपका इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन फॉर्म में हो या सॉल्यूशन फॉर्म में हो. इलेक्ट्रोलाइट हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखी हुई तो उसको कम से कम देख लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है. मैं सिंपल बात करता हूँ, अगर कोई भी चीज़ लो उसको पानी के अंदर हल करो, हल करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, या फिर कोई भी चीज़ लो उसको पिघला लो, पिघलाने के बाद जो मोल्टन फॉर्म लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है उसको भी इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं. ये दोनों चीज़ें हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है. जब आप इलेक्ट्रोलाइट में से करंट गुजारोगे तो इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट टूटना शुरू हो जाता है. वही जो तोड़ने का अमल है करंट गुजार के, इस तरह के सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल का नाम देते हैं. अब बात कर रहे थे इसकी स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर. अब देखिए यहाँ पे ना जो मेन चीज होती है, स्ट्रक्चर को बनाते जाएंगे, कंस्ट्रक्शन लिखते जाएंगे. सही, नीचे मैं साथ ही हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की भी. कंस्ट्रक्शन कुछ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आगे जो भी चीज़ें मैंने बात करनी है वहाँ मैं डायरेक्ट बात करूँगा एनोड कैथोड. पता हो एनोड कैथोड क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, ये चीज़ें मेन होती हैं. चलो सबसे पहली बात, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. पहले नंबर पे द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कंसिस्ट ऑफ सेल इज कंसिस्ट ऑफ ये किन किन चीजों पे कंसिस्ट होता है? पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है. देखिए हमारे पास, चल मैं नीचे की तरफ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक. इसके बाद आपने क्या करना होता है, किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना होता है. मतलब मैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाहता हूँ, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, जिस चीज़ का आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना चाहते हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करना चाहिए, उसको पानी के अंदर हल करो, हल करने के बाद उसको इसके अंदर डाल दो. मैंने किसी भी चीज़ को पानी के अंदर हल किया, किसी भी साल्ट को लिया, साल्ट को लेने के बाद मैंने उसको पानी के अंदर हल किया, हल करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया. हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है. देखिए हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है. अब दो चीज़ें होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइट. सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइट. इसके बाद आपने ना दो मेटल की पत्थरियाँ लेनी है, मसल लोहे की ले लो, कॉपर की ले लो. कॉपर क्या होता है ये याद रखिए, जो अमूमन घरों के अंदर वायर्स यूज़ की जाती है ना उसके अंदर कॉपर होता है, उसके अंदर कॉपर होता है. आपने कॉपर की जिस चीज़ के भी मेटल की पत्थरियाँ होनी चाहिए उसमें से करंट गुजरता हो, बस मेटल की पत्थरियाँ लेनी है. सही है, स्ट्रिप्स कह सकते हो, उसको यहाँ पर लगा देना. एक स्ट्रिप आपने यहाँ पर लगा दी, एक स्ट्रिप आपने यहाँ पर लगा देनी है, दो स्ट्रिप लगा दी हैं. अब इन्हीं दो स्ट्रिप्स को आपने लगा देना है यहाँ पे बैटरी के साथ,
ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव का नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों को कलेक्टिवली तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोड्स। क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोड। और याद रखिएगा, अगर इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ तो इसमें प्लस साइन और माइनस साइन पैदा करेगा, प्लस साइन और माइनस साइन पैदा कर रहा होगा। सही है, मैंने सिंपल सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब मैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइट बनाता हूँ तो Na प्लस Cl नेगेटिव आइन पैदा करेगा। तो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट डाल लिया, डालने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड इसके अंदर डाल लिए, लगा देने हैं। इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? मेटल्स के। टू इलेक्ट्रोड्स मेड अप ऑफ मेटल, टू इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स के बने होते हैं। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, आपने जैसे ही इसमें से करंट गुजारना है ना, देखो इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको मैं नाम दूंगा एनोड का, और जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको नाम दूंगा मैं कैथोड का। क्या नाम दूंगा? कैथोड का। सही है। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड, विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड, टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड एनोड। चलो जी, इज कॉल्ड एनोड, इसको हम एनोड का नाम देंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट इसके नीचे बना लेना है, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? कैथोड कहला रहा होता है। सही है। इसको हम जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको कैथोड का नाम दे रहे होते हैं, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होगा उसको एनोड का नाम देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम पे आ जाओ। एक जो चीज़ मैं बताने लगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर यूज होने वाली है। जो चीज़ जहन में रखनी है वो ये है कि हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे रिडक्शन होगी। क्या होगी? एट एनोड ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है एनोड पे, और कैथोड में हमेशा क्या होगा? एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अक्कर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता ही है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के हवाले से ऑक्सीडेशन कहता हूँ, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन का नाम देते हैं। सही है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, हाँ बैटरी। अब होता यह है कि जैसे ही मैं करंट पास करूंगा इसमें से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चेक करो, इसके ऊपर, इस टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, इसको हमने कैथोड का नाम दिया है। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। सही। जैसे ही मैं करंट पास करता हूँ तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें होंगी वो इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगी, ये इसकी तरफ मूव करेगा, ये इसकी तरफ मूव करेगा। जो पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें होंगी वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी। अब पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ों को इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सही। यहाँ से जाकर इलेक्ट्रॉन लेती हैं, और इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या कहलाता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो, रिडक्शन होती है। इसे हम कहते हैं इसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होती है, इसके ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। इसके ऊपर देखो, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी, इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अट्रैक्ट होने के बाद आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करती है, लूज होने की वजह से हम कहते हैं यहाँ पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि आप अच्छे तरीके से रख रहे नहीं है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। सही। एनोड में हमेशा क्या होगी? ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर, पर एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अक्कर। सही है। आप इस चीज़ का अंदाजा ना लगाइएगा कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो कैथोड होगा।
ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, आपको बाद में ये रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे रहा होता। सो आपने सिंपल ये बात याद रखनी है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी वो एनोड होगा, जहाँ पे रिडक्शन होगी वो कैथोड होगा। तो ये था जी हमारे पास सिंपल सा इंट्रोडक्शन, ही समझ लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।